इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप घर पर ही चीनी की हेल्प से प्रेगनेंसी टेस्ट कैसे कर सकती हैं, यानी आप प्रेग्नेंट है या नहीं ये आप चीनी से कैसे पता लगा सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे तो ये प्रेगनेंसी टेस्ट सही होता है, लेकिन इस मेथड की रिलायबिलिटी के पीछे कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। यहाँ पर एक सिंपल सा प्रिंसिपल है कि चीनी पानी में घुल जाती है और यूरिन में जो HCG होता है वो चीनी को घुलने से रोकता है। जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती है उनके शरीर में HCG यानी ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन नाम का एक हार्मोन बनने लगता है। इस हार्मोन का ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट में पता लगाया जा सकता है। जबकि जो महिलाएं प्रेग्नेंट नहीं होती है उनके शरीर में HCG हार्मोन नहीं होता है। तो ये टेस्ट इस प्रिंसिपल पर काम करता है कि चीनी पानी में या यूरिन में घुल जाती है, लेकिन HCG के कांटेक्ट में आने पर ये घुलती नहीं है बल्कि इसकी गुठलियां बनने लगती है। अब हम बात करते हैं कि आपको ये टेस्ट करना कैसे है। सबसे पहले आपको एक साफ सुथरी कटोरी लेनी है, उसमें आपको 2 से 3 चम्मच चीनी डालनी है। इसके बाद आपको एक बर्तन में कुछ यूरिन लेना है। यूरिन सुबह का होना चाहिए क्योंकि सुबह के यूरिन में HCG की मात्रा ज्यादा होती है। आपको थोड़ा यूरिन लेना है और चीनी में आपको यूरिन को इस तरीके से डाल देना है। चीनी में यूरिन डालने के बाद आपको 5 से 10 मिनट वेट करना होता है। अगर इन 5 से 10 मिनट में चीनी यूरिन में घुल जाती है तो मतलब आपके यूरिन में HCG नहीं है और आप प्रेग्नेंट नहीं हैं। लेकिन अगर चीनी घुलती नहीं है बल्कि उसकी गुठलियाँ बनने लगती है तो इसका मतलब कि आपके यूरिन में HCG है और आप प्रेग्नेंट हैं। अब बात आती है कि आपको ये प्रेगनेंसी टेस्ट करना कब है। अगर आप सेक्सुअल रिलेशन बनाती है और उसके बाद आने वाले आपके पीरियड मिस हो जाते हैं यानी नहीं आते हैं, तो उसके बाद आप कभी भी ये टेस्ट कर सकती हैं और इससे आप अपना रिजल्ट जान सकती हैं। बाकी अगर आप मेडिकल स्टोर पर जाकर प्रेगनेंसी टेस्ट किट ले सकती हैं तो आपको उसी से टेस्ट करना चाहिए क्योंकि उसका रिजल्ट ज़्यादा भरोसेमंद होता है।